हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी होम्स। मैं हूं डॉक्टर नीलम साधवानी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसनी या बेसन की कोकी की रेसिपी। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी और थदरी की शुभकामनाएं। थदरी एक सिंधी फेस्टिवल है जिसमें हम बेसनी, लोला, तरह तरह की वैरायटीज़ के व्यंजन बनाते हैं। थदरी में शीतला माता की पूजा होती है, इसलिए हम पिछले दिन का बना हुआ ठंडा खाना खाते हैं। ट्रैवलिंग में बेसनी और कोकी आर वन ऑफ माय फेवरेट्स। फ्रेंड्स, बिलीव मी, ये बेसनी इतनी टेस्टी होती है कि ये ठंडी भी इतनी अच्छी लगती है। अचार, चटनी, दही किसी के भी साथ खा लो, और गर्म तो इसके कहने ही क्या, इट जस्ट टेस्ट अमेजिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जाकर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। टोटल चार बेसनी बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने इस फोटो में दी हुई है। प्याज, हरी मिर्च और धनिया को मैंने बारीक काट लिया है। इन सबको एक बड़े बाउल में डाल करके मैं इसमें मिलाऊंगी 1.5 चम्मच नमक, या अपने आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, और 1 चुटकी या 1/4 टीस्पून डालूंगी मैं हल्दी फ्लेवर के लिए। अब मैं इसमें डालूंगी बेसन 8 से 10 बड़े चम्मच। अब इसमें ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच खाने वाला तेल। फ्रेंड्स, मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मैं बिना पानी के पहले साफ हाथों से अच्छी तरह से गूंध लूँगी। तेल और बेसन का मिक्सचर इतना होना चाहिए कि आप हाथ में मुट्ठी बना करके उसको बांध पाएं। अब इसे 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है ताकि प्याज जो पानी छोड़े वो भी इस आटे में एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसको मैंने हल्का सा 2-3 चम्मच पानी डाल करके गूंद लिया है। आटा हमें थोड़ा कड़ा गूंदना है। अब इसकी हम लोइयां तैयार कर लेंगे। आटा आपके हाथ में चिपकेगा तो लोइयां बनाते समय आप एक्स्ट्रा ऑयल ग्रीसिंग कर सकते हैं। अगर आपको आटा ज़्यादा पतला लग रहा है तो आप उसमें और एक्स्ट्रा सूखा बेसन डाल करके उसे कड़ा कर सकते हैं। अब इसे सादे गेहूं के आटे में लपेट करके बेलना शुरू करेंगे। बेलते समय ये टूटे नहीं, इसलिए मैंने चकले को घुमाते हुए इसे बेला है। रोटी को या बेसनी को इधर उधर हाथ से नहीं हिलाया है। बेलते समय अगर आपको लग रहा है कि बेसनी आपके बेलन में चिपक रही है तो ऊपर से और सूखा आटा ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपकी बेसनी एनी हाउ चकले पे चिपक भी जा रही है तो आप घबराइए नहीं, आप पलटे की सहायता से इसे आराम से नीचे से छुड़ा सकते हैं धीरे धीरे। मैंने तवा गैस पे चढ़ा करके इसे हल्का सा ऑयल से ग्रीसिंग कर लिया है। अब हम इसे सिकने के लिए तवे पे डालेंगे। ये उठाते समय टूटे नहीं फ्रेंड्स, तो आप चाहें तो डायरेक्ट चकले से तवे पे पलट सकते हैं। अब हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सिकने देंगे। अब इसे 1 से 2 मिनट तक सिकने के बाद दूसरी तरफ से भी ऑयल से ग्रीस करके तब हम पलटेंगे। पलटते टाइम ये टूटे नहीं, इसके लिए अगेन हम एक प्लेट पे इसे ट्रांसफ़र करेंगे, फिर दूसरी तरफ से पलटेंगे। फ्रेंड्स, जब तक पहली बेसनी सिक रही है तब तक दूसरी बेसनी भी बेल के तैयार है तवे पे डालने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि बेसनी आपसे चकले पे नहीं बिल पा रही है, बहुत सॉफ्ट हो रही है, तो आप इसे डायरेक्ट तवे पे डालने के बाद भी उंगलियों से दबा के पतला कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी बेसनी तैयार हो चुकी है सिक करके। इसे आप सर्व कर सकते हैं अचार, चटनी या दही के साथ। इवन चाय के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती है। ये कम चीज़ों से तैयार होने वाला शाम का बेहतरीन नाश्ता है जो आप चाय के साथ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स पर मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।